100 million heroes. Wow, how cool is that? Today, there are 100 million hero riders riding strong for their dreams, their tomorrows. Superstar Shahrukh Khan, Tapsi Pannu aur Vicky Kaushal ki most awaited film Donkey cinemagharon mein tehlka macha rahi hai. Film Donkey 21 December ko release hui thi aur is film ka craze pehle hi dekhne ko mila tha. Lekin ab bhi is film ko lekar jo craze dekhne ko mil raha hai wo qabil-e-tareef hai. Film Donkey ko dekhne ke liye ek badi matra mein ab bhi log ja rahe hain aur film ka craze logon ke siron par chadhkar bol raha hai. Halanki dosto aapki jankari ke liye bata de ki film Donkey ka craze na ki Bharat mein hai balki ek badi tadad mein log film Donkey ko dekhne ke liye videshon mein bhi ja rahe hain aur ye film videshon mein bhi kafi पसंद आ रही है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब फिल्म डंकी को देखने के लिए क्रिकेटर ने भी जाना शुरू कर दिया है और अब फिल्म डंकी को देखकर आए विराट कोहली ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। विराट कोहली ने अपने बयान में कहा है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे फिल्म डंकी को देखकर। मुझे एक पल तो ऐसा लगा कि फिल्म डंकी ने अपने भारत के प्रति जो मोहब्बत जताई है वो करोड़ों भारतीयों का दिल जीत रही है। फिल्म में विक्की कौशल और तापसी पन्नू ने भी अहम रोल निभाया है और सभी ने फिल्म में जमकर अपना 100% दिया है। फिल्म की स्टोरी टेलिंग का हो या फिर फिल्म में एक्शन सीन सभी चीज लाजवाब लगी और मुझे लगता है कि फिल्म डंकी को देखने के लिए भारत देश में टैक्स फ्री कर देना चाहिए। ऐसी फिल्में बहुत ही कम बनती है जिससे कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। तो दोस्तों इस तरह से फिल्म डंकी को देखकर आए विराट कोहली ने फिल्म को लेकर अपना प्यारा सा रिएक्शन दिया है। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या फिल्म डंकी ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।